पटेल ने लगाया 2.5 करोड़ रुपए का चूना। भले ही एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने बॉलीवुड से दूरी बनाई रखी है, लेकिन अक्सर वो पब्लिक इवेंट्स में नजर आती है। ऐसे तो अमीषा खबरों से दूर रहती है, लेकिन अमीषा चर्चा में बनी हुई है। अमीषा पटेल एक बार फिर धोखाधड़ी के आरोप में फंसी है। फिल्म मेकर अजय ने एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर 2.5 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। फिल्म मेकर ने अमीषा के साथ उनके एक बिजनेस पार्टनर कुणाल पर भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक अमीषा और उनके बिजनेस पार्टनर ने फिल्म देसी मैजिक के लिए अजय से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। अमीषा ने अजय से कहा था कि फिल्म की शूटिंग 2013 में शुरू होगी और साल 2018 तक यह फिल्म पूरी हो जाएगी। अमीषा ने यह तब कहा था कि यह अजय के लिए फायदे का सौदा होगा और फिल्म रिलीज होते ही अमीषा अजय को ब्याज सहित पैसे लौटा देगी। फिल्म मेकर ने बताया कि जब लंबे समय तक फिल्म रिलीज नहीं हुई तो उन्होंने अमीषा से पैसे मांगे। अमीषा ने उन्हें 3 करोड़ का चेक पकड़ा दिया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। जब अजय ने दोबारा अमीषा से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका पैसा देने का कोई इरादा नहीं है, साथ ही नहीं उन्होंने बड़े लोगों की फोटो दिखाकर धमकी भी दी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी अमीषा का कोई बयान नहीं आया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।